मैं जरूर आऊंगा जब फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो इस किस्म की फिल्म मैंने की नहीं थी, एक सस्पेंस हॉरर थ्रिलर किस्म की फिल्म जो एक बड़े एक्साइटिंग लोकेशन पे शूट हो रही थी स्विट्जरलैंड में अरोसा में। सो जब प्रेजेंटेशन जब मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस किस्म की फिल्म मुझे करनी चाहिए, इस किस्म का किरदार मुझे निभाना चाहिए। तो दैट्स द रीज़न आई डिड इट एंड नाउ द फिल्म इज़ रेडी एंड फॉर रिलीज, सो क्वाइट एक्साइटिंग। वेल, इस फिल्म के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कैरेक्टर है जिसका एक मॉडल के साथ रोमांस हो जाता है और बहुत ही कम समय में उनका रोमांस एक मैरिज में कन्वर्ट होता है। बट उसके साथ जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं और एक थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से कैसे मेरे कैरेक्टर के ऊपर उसका असर होता है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन प्ले में और फिल्म में आपको देखने मिलेंगी। नहीं, एज आई यू नो काइंड ऑफ वर्क ऑन अ फिल्म प्योरली एज एन एक्टर, यू नो मैंने फिल्म डायरेक्ट की है लेकिन और कहीं कुछ मेरे से अगर पूछा जाता है तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ, बट जनरली आई काइंड ऑफ डू वॉट द डायरेक्टर और द राइटर वॉन्ट्स मी टू डू एंड आई ट्राई टू डू जस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो हमने ये फिल्म स्विट्जरलैंड में शूट की है, एक छोटे से टाउन में अरोसा जो एक टूरिस्ट प्लेस है, जो ऑल्सो एक स्की रिसोर्ट है जहाँ पर सारे वर्ल्ड के जो अच्छे स्कीज है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं वो वहाँ आते हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस अराउंड द विंटर टाइम। तो हमने उसी टाइम में शूट किया है तो ठंड बहुत होती है वहाँ पर और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होती है, क्योंकि एक दिन जब हमने शूट किया था तो ऑलमोस्ट -19 degrees में शूट किया था, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट। बट बींग प्रोफेशनल्स एंड द एंटायर टीम ऑल्सो बींग देयर वर्किंग हार्ड, वी स्टिल कंटिन्यूड विद आवर शूट एंड एन्जॉयड आवर शूट। बट एट एनी गिवन टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर वो -8, -10 जो बहुत ठंड होती थी, लेकिन इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, वेरी चैलेंजिंग बट रियली एन्जॉयड इट। वेल, आई गेस फिल्म इंडस्ट्री में जब आदमी आता है तो शायद एक चीज़ पे रुकता नहीं है, उसको एक्टर को डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर को प्रोड्यूस करना है, शायद कहानी लिखनी है। तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर, देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, देन अ डायरेक्टर, देन आई डिड होस्टिंग ऑफ शोज, यू नो चैट शोज, नाउ एवेंचर ऑन इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वट एवर इज एक्साइटिंग, वट एवर कम्स माई वे, इफ आई फील दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई डोंट माइंड डूइंग इट। सो पिंच was a very successful show for me and was highly appreciated and got a great response. So I'm in the process of trying to do a season 2. So maybe in the next couple of months I'll hopefully announce it. Haan, to Dabang is hamari film hai jo third installment uska aane wala hai 28 December ko. So we are very excited. Bahut achhi bani hai and Prabhu Deva sir has done a great job and we've really enjoyed every day of the shoot. It's got that flavor that logon ko chahiye Dabang se ya Chulbul Pandey se, yet usme humne kaafi freshness aur exciting cheeze dali hain film ke andar jo jab audience dekhegi to unko wo pasand aayega. Makki is also got a very interesting role in the film because pehle mein bhi tha, second mein bhi tha, third mein in fact kaafi character film ke sath juda hua hai, to aap dekhenge to inshallah aapko pasand aayega wo character. We'll be right back.